नरसिंह सिंह राठी कतलकांड की सीबीआई करेगी जांच। हरियाणा सरकार ने सीबीआई हवाले किया केस। बीजेपी के साबका विधायक नरेश कौशिक सने सत लोगों किया गया नामजद। राठी कतलकांड की हरियाणा विधानसभा के सुनाई दी गूंज। विरोधी धिर ने सरकार को घेरिया। गृहमंत्री अनिल विज बोले कतलकांड के मुलजमान मिलेगी सजा। कोटपुरा गोलीकांड के पंजवां सप्लीमेंटरी चलान अदालत में पेश। एसआईटी के वलों फरीदकोट अदालत में 211 पन्नों की चार्जशीट दायर। मामले च तत्काली गृहमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी ने नामजद। बिना ड्राइवर मालगड्डी के 80 किलोमीटर तक दौड़न के मामले के वड्डा एक्शन। ड्राइवर कठुआ स्टेशन मास्टर समेत 6 कर्मचारी सस्पेंड। कठुआ तो रोल डाउन होकर हुशियारपुर पहुंच गई सी ट्रेन। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर से डिप्टी मेयर की चोण का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आप ते कांग्रेस ने डीसी के आदेशों से रोक लगाने की की मांग। तय व्यवस्था मुताबिक मेयर ही करवा सकता है चोण। पार्टी बदल दिया चर्चावां के विचाले नवजोत सिंह सिद्धू की नवी शायरी। हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। बड़ा सवाल की इशारा कर रहे ने सिद्धू। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे से देश भर के किसानों का हल्ला बोल। सारे स्टेट और नैशनल हाईवे से किया ट्रैक्टर मार्च। सड़कों के किनारे बनाई चेन। एचजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सीएम मान लिखी चिट्ठी। अमृतपाल के साथियों को पंजाब की जेल के शिफ्ट करने की मांग। बोले नौजवानों के मनुखी अधिकारों से निजता की होवे राखी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजघाट से महात्मा गांधी को किया नमन। पूरी कैबिनेट के साथ जाके भेंट की श्रद्धांजलि। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को पूरा होया एक साल। रेलवे को मिली 41,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का रखा नींह पत्थर। पंजाब के भी 22 स्टेशनों का होगा नवीनीकरण। पीएम बोले अज भारत ने छोटे सुपने देखना किया है बंद। पंजाब सरकार का मिशन रुजगार जारी। सीएम भगवंत मान ने 457 उम्मीदवारों को वंडे नियुक्ति पत्र। बोले हुण सरकारी भर्ती दे विच नहीं चलती रिश्वत ते सिफारिश। रिलायंस फाउंडेशन का नायाब उपराला। जामनगर दे विच बनिया दुनिया का सब तो वड्डा जंगली जीव रेस्क्यू सेंटर वर्तारा। अनंत अंबानी ने किया ऐलान। बोले हुण तक 25,000 जानवरों को किया गया रेस्क्यू। सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे राठी कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। नफे सिंह राठी कतलकांड की जांच सीबीआई दे वल्लों की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सीबीआई नूं जांच सौंप दित्ती है। पूरी तरह पुलिस जांच ते क्योंकि लगातार सवाल चुक रही सन। बहादुरगढ़ के हस्पताल के राठी का इस देश दे विच आले पोस्टमार्टम भी जारी है। दरअसल कल 4 हमलावरों ने नफे सिंह राठी का कतल कर दिता सीगा। अनैलो प्रधान नफे सिंह राठी ते जिहड़ी कि अन्नेवाह फायरिंग हुई सी उस तों बाद लगातार अभय चौटाला के वलों भी यह मंग रखी गई। उस तो बाद होरना विरोधी धिरां दे वलों भी पूरे केस की सीबीआई जांच की मंग की गई। तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में संबोधन करते हुए भी जिहड़े कि हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने उन्होंने यह भी भरोसा दिता सीगा कि जेकर विरोधी धिरां दी इस गल दे विच तसल्ली है तो वह सीबीआई जांच देण दे विच उन्हां नूं कोई भी अपग्रेज नहीं होगा। तो इस दे विच वाली वड्डी जानकारी वड्डी अपडेट है कि नफे सिंह राठी कतलकांड की जांच हुण सीबीआई दे वलों की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सीबीआई नूं जांच सौंप दित्ती है। जिथे विरोधी धिरां दे लगातार सीबीआई जांच की मांग की जाए तो इस पूरे केस के हुण सीबीआई नूं जिथे जांच सौंपी गई है तो सीबीआई दे वल्लों हर एंगल तो पूरे मामले की हुण जांच की जाएगी। क्योंकि ये वड्डा सवाल तो यह है कि फिलहाल जिहड़े 4 हमलावर ने वो कदों पुलिस के शिकंजे दे विच आउणगे। तो इस तों वड्डा सवाल है कि आखिरकार इसका कनैक्शन किस दे नाल जुड़दा है। किस दे कहण ते पूरी कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। दरअसल कल दी पूरी कतल की वारदात है। सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आईया जिस दे विच के नफे सिंह राठी की गड्डी भी नज़र आउंदी है। उस तों बाद हमलावरां दे वल्लों गड्डी दे जरिए किवें पिछा किया जाता है तो किवें झज्जर दे विच शरेआम गोलियां मार के नफे सिंह राठी तो उन्होंने एक साथी नूं मौत दे घाट उतार दिता जाता है। जिथे कि पहला एसटीएफ दे लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही। तो हुण इह वड्डी अपडेट है, वड्डी जानकारी है कि सीबीआई नूं हरियाणा सरकार दे वल्लों जांच सौंप दित्ती गई है। सीबीआई दे वल्लों पूरे मामले की जांच की जाएगी। हर एंगल तो जांच नूं अगे वधाया जाएगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਐਲਓ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਲਓ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਐਨਐਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰੇਗੀ। अभी कई लोगों से पूछताछ चल रही है जो भी संदिग्ध है, ठीक है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हम कर रहे हो। सर अभी अभय चौटाला जी से आपकी बात हुई तो अभय चौटाला ने बताया था कि दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कौन से? नहीं, इसमें देखिए पूछताछ चल रही है कई लोगों से, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया है हमने, तो जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर जो जिनके बाई नेम है उनके परिवारों को सुरक्षा दी गई और पीड़ितों को सुरक्षा नहीं दी गई? नहीं, हम सभी को सुरक्षा देंगे, जिसको भी सुरक्षा बनती है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। ये बात भी सामने आई कि आपसे सुरक्षा के लिए डिमांड की गई थी, लेकिन में भी नफे सिंह राठी आपसे मिले थे और उस वक्त सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई? नहीं, उस विषय पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, वो जैसे भी आगे, अभी तो मैं इसी के वर्कआउट में लगा हूँ कि ये वर्कआउट हो और उस पर भी बाद में देखा जाएगा कि क्या टूटी हुई है, किसकी। अभी इस मामले की CBI जांच हो रही है, CBI को ट्रांसफर किया जा रहा है। हाँ, अभी ये जो है घोषणा हुई है, तो आगे जो भी प्रोसेस है उसमें फिर ये CBI को गिरफ्तार किया गया है। सर काफी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं, जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं, और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको सजा भी हो इसमें, तो वही मैंने उनसे आग्रह किया है कि प्रॉपर इसमें प्रोसेस का वो है फॉलो करें जो भी होता है, तो बस ये मैंने उनसे बात की। सर CCTV फुटेज सामने आई थी, कुछ पता चला कौन लोग हैं, किसी गैंग से ताल्लुक? देखिए अभी इस विषय पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, देखिए सारा पार्ट जुड़ चुके ने। प्रदीप, वड्डी जानकारी, वड्डी अपडेट है कि पूरे मामले की जांच CBI नूं सौंप दित्ती गई है, इस दे विचाले ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जी परमिंदर, बिल्कुल, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के शव का पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है। हालांकि CBI जांच की मांग प्रशासन से जो है वो परिजनों ने की थी, अभय सिंह चौटाला ने की थी, तो उस पर सरकार ने प्रतिक्रिया दी है कि CBI जांच भी करवाई जा सकती है। ऐसे में जो परिजन हैं उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि जितने भी आरोपी उन सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर 7 दिन के अंदर सभी गिरफ्तार नहीं होते तो एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर अभी पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। नफे सिंह राठी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जा रहा है। डॉक्टरों ने यहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर करीब 11 गोलियां लगी हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। फॉर्चुनर गाड़ी में जब वो सवार होकर आ रहे थे तभी से ही जो परिजन हैं जो सवाल या निशान खड़े कर रहे थे पुलिस पर, वो और अब भी लगातार जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन सुरक्षा उन्हें नहीं सौंपी गई थी। नफे सिंह राठी जी के भतीजे कपूर सिंह राठी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं अभी जो सरकार ने आश्वासन दिया कि CBI जाँच हो सकती है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी? देखिए, हम तो जब मानेंगे जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया है कि मतलब अगर नफे सिंह जी के साथ हो सकता आम आदमी की क्या औकात है। ये जंगल राज चला हुआ है पूरे हरियाणा में, ये नहीं कि आज हमारे साथ हुई है, जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही है। क्यों नहीं बोलती सरकार, क्यों नहीं ऐसे बदमाशों से
को ख़त्म करती है यहाँ से। ये गलत तरीका है सरकार का। सरकार से जब हमने सिक्योरिटी की मांग की थी ना, तो उस टाइम सिक्योरिटी दी गई। सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है। सरकार की मंशा है वो विरोधियों को ख़त्म करवाना चाहती है, और उसी की एवज में आज चाचा हमारे साथ नहीं। 7 दिन का समय दिया है, अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो किस तरीके का कदम लेंगे? देखिए, हम प्रशासन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं, वही हमने किया है कि 7 दिन में, क्योंकि हो सकता है 1 दिन में ना पकड़े जाएं क्रिमिनल, और अगर 7 दिन में नहीं पकड़ेंगे तो जो ये नफे सिंह जी अकेले हमारे घर के सदस्य नहीं थे, इस पूरे बहादुरगढ़ के सदस्य थे, और जब ये पूरा बहादुरगढ़ तय करेगा आगे क्या होगा। FIR में आपने बीजेपी नेताओं के नाम लिए हैं, वो बताया गया है कि तो कितना जो लोग हैं वो किस तरीके की रंजिश से ली आ रही थी और उन लोगों का कितना हाथ इस पीछे? हमारी उनसे कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव्स को लेके उन लोगों ने अपने मन में अगर रंजिश पाल ली तो उसका हम क्या कर सकते हैं। हमारी कोई रंजिश नहीं थी उन लोगों से, लेकिन अगर उनको नफे सिंह जी से ये खतरा होने लग गया कि आने वाले चुनाव में वो जीत ना जाए, और उसी को लेके ये सारा षड्यंत्र चला आ रहा है हमारे साथ पूरे 2 साल हो गए, ये आज की बात नहीं है, पूरे 2 साल से मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है, झूठे मुकदमे, झूठे केस, झूठी सजाएं, तो ये सारी चीज़ें मतलब आमतौर पर खास करके बीजेपी सरकार ज़्यादा करती है। बीजेपी सरकार ने अपने जितने भी ठीक है प्रदीप, फिलहाल दी पूरी तस्वीरें विखाने लिए पूरी जानकारी थोड़ा बहुत धन्यवाद। साढ़े सहयोगी तरिंदर चौधरी भी जुड़ चुके हैं। तरिंदर, वड्डी जानकारी वड्डी अपने अपने दर्शकों के साथ सांझी कर रहे हैं कि पूरे केस की जिहड़ी जांच है हुण CBI दे वल्लों की जाएगी, इस नूं लैके की वड्डा अपडेट है, की कोई जानकारी है, तो जो पोस्टमार्टम हो रहा है इस तों बाद च संस्कार नूं लैके की कोई जानकारी है? सहमति बन गई है, इस तों बाद संस्कार अज ही किया जाएगा? हाँ, देखिए सहमति बन चुकी है, और अब से थोड़ी देर पहले जो झज्जर के SP है यहाँ पर मौके पर आए थे और लोगों को समझा था और बताया था कि किस तरह से पुलिस को कुछ सॉलिड लीड मिली हैं और जो आरोपी हैं उनके को लेकर काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, कुछ लोगों को इंटरोगेट भी किया है। हालांकि जो गिरफ्तारी की बात है उससे SP ने साफ इनकार किया, ये कहा कि हमने कुछ लोगों को राउंड अप किया पूछताछ के लिए, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रही बात इस मामले में कुछ हमें लीड भी मिली है, उसको फिलहाल मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इससे जाँच प्रभावित हो सकती है, तो ये आश्वासन दिया और बाद में लोगों से ये कहा कि आप भी थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए, इसलिए लोगों ने प्रशासन का साथ दिया और इस रोड को खाली कर दिया और सहमत हो गए कि जो नफे सिंह राठी है और उनके सहयोगी जयकिशन दलाल उनका पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए और अब से थोड़ी देर बाद दोनों के पार्थिव शरीर को उनके घरों में ले जाया जाएगा, उसके बाद वहां से अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी और उम्मीद है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। तरिंदर, हुण तक की जेकर जांच की गल की है, हालांकि लगातार STF के वालों भी जांच की जा रही थी, इस लैके की कोई जानकारी हुण तक कोई हमलावरों का बदमाशों का कोई सुराग मिले, पुलिस को कोई जानकारी हासिल हुई है जो उन्होंने कोई मूवमेंट किसी तरह की नज़र आई हो कि किस पासे नूं फरार हुए ने? देखिए, जो CCTV फुटेज आई थी उसमें हमलावरों के चेहरे भी साफ दिखाई पड़ रहे हैं और जो जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसके नंबर भी सामने आए हैं कि कहाँ की वो गाड़ी थी, और लेकिन इसके बाद इसके बारे में पुलिस ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि पुलिस की दलील ये है कि इससे जाँच प्रभावित होंगी और जो आरोपी है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से भागने में या छिपने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हालाँकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनको पुख्ता लीड मिली है और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक जिन लोगों के FIR में नाम दर्ज थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं उनके नाम है और जो हत्यारोपी हैं उनके बारे में लिखा, तो SP ने कहा कि हम सबको सुरक्षा देंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को सुरक्षा नहीं देंगे, जो सुरक्षा मांगेगा उसको सुरक्षा दी जाएगी। और जब नफे सिंह राठी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आपसे पहले भी सुरक्षा मांगी थी, इस पर कमेंट करने से SP ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि इस बारे में मैं फिर बताऊंगा, अभी इस बारे में मैं कोई किसी तरह का कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है तरिंदर, फिलहाल की जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वड्डी जानकारी है नफे सिंह राठी कतलकांड के जुड़ी हुई, नफे सिंह राठी कतलकांड की जांच CBI वालों की जाएगी क्योंकि हरियाणा सरकार के वालों CBI जांच सौंप दी गई है क्योंकि विरोधी धिर लगातार पूरे कतलकांड की जांच CBI तो करवाने की मंग की जा रही थी। इस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी जानकारी है, फिलहाल नफे सिंह राठी का पोस्टमार्टम हो रहा है, उनकी मृतक देह का, तो उस तो बाद उन्हों का संस्कार किया जाएगा, तो नाल ही जिहड़ा कि वर्करां दे वल्लों पार्टी दे वल्लों उन्होंने परिवारक मैंबरों के वल्लों प्रशासन नूं पुलिस नूं 1 हफ्ते का समा दिता गया कि 1 हफ्ते तक जेकर हमलावरों की गिरफ्तारी ना हुई तो उस तो बाद फिर तो जिहड़ा कि प्रदर्शन किया जाएगा, इंसाफ की मंग की जाएगी।
रुक करेंगे अगली वड्डी खबर दा। समराला कचहरी दे विच हाई वोल्टेज ड्रामा होया। कंटीन दे विच चाह पी रहे सन पति पत्नी। सिविल वर्दी दे विच आई पुलिस ने पति नूं चुक लिया। गड्डी तक घड़ीस के लैके गई है पुलिस। पत्नी ने पति नूं बचाउण दे लई शोर मचाया। महिला का इल्जाम है कि मेरे पति नूं नाजायज चुक्या गया। महिला दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक केस दे विच तरीक भुगतण आई सी। दरअसल पति पत्नी ते इसे दौरानी दरअसल पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होंदा है। पूरी तस्वीरां भी तुहानूं विखा रहे हैं। समराला दीआं तस्वीरां जिथे कि कचहरी के पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होंदा है। दरअसल जदों पति पत्नी एक कंटीन के कचहरी के जिहड़ी कंटीन बनी हुई सी बनी हुई है उत्थे ही चाह पी रहे सन। सिविल वर्दी के आई पुलिस के वल्लों पति नूं चुक लिया जांदा है। गड्डी तक घड़ीस के पुलिस लैके जाती है। उस तों बाद पत्नी ने पति नूं बचाउण दे लई रौला भी पाया। महिला दे वल्लों इल्जाम लगाए गए कि मेरे पति नूं नाजायज चुकया गया है। एक केस दे दरअसल तरीक भुगतण दे लई पति पत्नी इत्थे पहुंचे सन। इसे दौरान ही सिविल वर्दी दे विच पुलिस मुलाजम आउंदे ने उसनूं चुक के नाल लै जांदे ने। गड्डी तक घड़ीसदे होए लिजाया जांदा है ते पूरा ही पूरियां तस्वीरां जिहड़ियां ने उह कैमरे दे विच कैद होईआं ने। कहानी की चोरी के केस इतनी चोरी कितनी है कहते पहला तीन पर्चे नजायज पाते वीरे मेरे बंदे ते चल तीन पाते असी तिना दी जमानत तक करा लिया हुण फिर चक्कर चक के ला गए मेरे। तुसी अज उरे की करना आई सी के समराले कचहरी च? अज तारीख सी वीरे। तारीख तो चक के लेके गए ने? हां जी। मेरी पुलिस लेके गई आ। ते किथे दी पुलिस आ दसया इन्हां ने? सन वीरे चमकौर के आई सी। किथे दी पुलिस सी ओ लेके गई रे? मेरे बंदे नु झूठा लागी।